यहाँ होता है। तो आप देखिए अभी आपको और भी मैं नज़ारा दिखाऊंगा, ये देखिए किस तरीके, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों ऐसे जगह जगह यहाँ पे, दोस्तों इस वक्त मैं आया हुआ हूँ राजस्थान के सामर में, और सामर में यहाँ पे मौजूद है नमक की सबसे बड़ी झील। तो दोस्तों अभी मैं झील के अंदर खड़ा हूँ जहाँ पे नमक उत्पाद होता है, और यहाँ का नमक काफ़ी अच्छा बताया जाता है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे पूरा मतलब बैक कैमरे से पूरा नज़ारा दिखाऊंगा कि नमक की झील का किस प्रकार का पूरा मंजर रहता है, किस प्रकार का यहाँ का नज़ारा रहता है। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना, काट काट के बिल्कुल मत देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब जो एकदम क्षितिज की तरह आपको नज़र आएगा, मतलब आसमान और ज़मीन एकदम मिलता हुआ नज़र आएगा। तो ये समुंदर की तरह नज़र आएगा, लेकिन समुंदर नहीं, ये झील है नमक की। तो चलिए दोस्तों बैक कैमरा से आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों जैसे कि आप ये पूरा नज़ारा देख सकते हो, जो मैंने बताया था आपको सांवर झील, आप देखिए यहाँ ही ये पूरा नमक उत्पाद होता है, और काफ़ी मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का नमक यहाँ होता है। तो आप देखिए अभी आपको और भी मैं नज़ारा दिखाऊंगा, ये देखिए किस तरीके का। दोस्तों ये बाइट बाइट जो है नमक है, मतलब नमक बनता है, और ये देखिए यहाँ भी अभी ये झील है, इसका भी नमक बनेगा। जैसे जैसे सूखेगा जो ये मिट्टी वगैरह आप देख रहे हो ना, ये नमक में बदल जाएगी। ये पूरा देखिए अभी किस प्रकार से पूरा नज़ारा है। दोस्तों और भी बताएंगे हम आपको आगे से भी, आप ये पूरा नज़ारा देखिए। और अभी जो मैंने आपको बताया था कि आसमान और ज़मीन मिलता हुआ, वो भी मैं नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी ये टीले वगैरह यहाँ बने हुए हैं, और दोस्तों वहाँ ट्रक वगैरह इनका प्लेटफॉर्म है, जब यहाँ पर नमक तैयार होता है तो वहाँ से मतलब आया तो निर्यात होता है। ये पूरा देखिए, और दोस्तों वहाँ ट्रेन वगैरह जो ट्रॉली वगैरह छोटी छोटी मतलब लाइनें बनी हुई है नमक, जो ट्रॉली में नमक भर के मतलब ट्रेन के जरिए, मतलब छोटी ट्रेन है यहाँ पर, छोटी पटरी बोल सकते हैं हम उसको, उसके जरिए नमक का आया तो निर्यात होता है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ नमक उत्पाद होता है। तो अभी और भी जाते हैं आगे, और आगे का भी आपको नज़ारा मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो किस प्रकार से ये पूरी नमक की झील है। और दोस्तों ये अभी हमारी बाइक वगैरह खड़ी है हमारे साथ के मेंबर, और आपको बाइट बाइट नज़र आ रहा होगा यहाँ पे नमक वगैरह। तो चलिए दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं, आपको थोड़ी नमक की यहाँ पे टीले वगैरह है वो आपको दिखाते हैं, उस साइड में देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से, मतलब ये अभी यहाँ पे सूख चुकी है दोस्तों, लेकिन कहीं कहीं पे अभी ऐसा गीला है, मतलब पैर अंदर जा सकते हैं। ये पूरी नमक की झील है जो कि सांवर झील के नाम से जानी जाती है। और अभी आपको नमक किस प्रकार से यहाँ पे होता है वो आपको दिखाते हैं। वाइट वाइट आप सामने देख सकते हो, नमक के टीले बने हुए हैं। तो दोस्तों काफ़ी मतलब अच्छा नमक बताया जाता है। ये सांवर झील है जो कि राजस्थान के अंदर ही मौजूद है, यहाँ से लगभग जयपुर 50 से 60 किलोमीटर के आसपास है। और आप देखिए, और दोस्तों यहाँ पर कई मूवी की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। और आप देखिए दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा आपको, सिर्फ यहाँ पे आसमान और ये ज़मीन। और दोस्तों अभी तो मैं इसलिए यहाँ पे झील के अंदर घूम रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी पानी सूखा हुआ है, अगर पानी होता तो हम यहाँ पे नहीं आ पाते। तो आप देखिए ये नमक वगैरह आपको नज़र आएगा किस प्रकार से, ये पूरा नमक का नज़ारा। और दोस्तों यहाँ पे मतलब हिंदुस्तान के कोने कोने पे यहाँ से नमक जाता है, और यहाँ का नमक काफ़ी फेमस रहता है। आप ये देखिए ये पूरा नमक है, ये देख सकते हो नमक है पूरा, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों ऐसे जगह जगह यहाँ पे टीले बने हुए हैं नमक के। दोस्तों ये पूरा लाइव मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है। और ये पूरा देखिए किस प्रकार से, मतलब चारों तरफ देखोगे एकदम ऐसा लगेगा आप, मतलब ज़मीन और आसमान मिलता हुआ। पूरे आपको घुमा करके कैमरा दिखा देता हूँ मैं, देखिए थोड़ा और आगे जाते हैं, आपको आगे से भी दिखाते हैं, वहाँ भी आपको नमक वगैरह नज़र आएंगे। और यहाँ भी ये पूरा मंजर देख सकते हो। और दोस्तों जैसे जैसे भी हम आगे जाएंगे ना, तो ये झील गीली है, मतलब पेड़ धीरे धीरे इसमें अंदर जाएंगे क्योंकि आगे पानी वगैरह हो सकता है, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। आप ये पूरा यहाँ से नज़ारा देख सकते हो, आप भी यहाँ पे आ सकते हो। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी जैसे पीके मूवी है, पीके मूवी की भी शूटिंग यहाँ पे हुई है, और काफ़ी मतलब सीरियल वगैरह और मूवी की शूटिंग यहाँ होती रहती है क्योंकि ये सांवर झील काफ़ी बड़ी है। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा यहाँ का ये नज़ारा आपको दिखाया, लेकिन आगे भी और भी झील है, आगे जहाँ जहाँ जाओगे आप, क्योंकि शूटिंग होती है तब यहाँ पे अलग अलग लोकेशन ली जाती है। तो ये आप ये पूरा देख सकते हो। दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
आप अगर YouTube पे देख रहे हो तो YouTube को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हो तो Facebook पेज को फॉलो कर लेना। इससे ये होगा कि अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।